लेकिन डेली तो नहीं मिलता ना ये सब चीज। कहते हैं मेरे बच्चे काफी टैलेंटेड हैं। ओहो, तारीफ कैसे कर रहे हो बातचीत। और मदर डे में तो तू अकेले बनाई थी पापा को। टाइगर लाइन साफ़ क्यों करे। हैप्पी फादर्स डे पापा। आज नाश्ते में आइसक्रीम भी है। कैसा लग रहा है नाश्ता? हैप्पी फादर्स डे पापा। तो आज आपको लंच में क्या खाना है? आपके बोलने से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्या बोला? आज है तो परिवार, आज है फादर्स डे, और आज फादर्स डे है। मदर्स डे ब्लॉग भी गया है मेरे चैनल पे, फादर्स डे ब्लॉग भी जरूर जाएगा। लाइन साफी क्यों करें। सो परिवार, लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ मम्मी और मैं हैं। मैं तो अकेले बना नहीं सकती, जो जो बन रहा है मेरे को आते ही नहीं क्या है। दो छड़िए बनाते हैं और लंच में पापा को अच्छा लगता है, पापा का फेवरेट है, बहुत सारा चीज है। तो चलिए बनाते हैं और आप खाई पर लंच एंजॉय कीजिए। और मदर डे में तो तू अकेले बनाएगी पापा को। ये गलत है, मदर डे में मेरे को करवा रही है तू। पापा खाते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। चलो मम्मी खुद भी खा लेती है ना। मम्मी लोग एडजस्ट कर लेते हैं, पापा लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। पापा को वैरायटी चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो परिवार देखो, आप देख सकते हो कि ये दाल मम्मी पीस के रख दी है। क्या बन रहा है वैसे अभी? तो बन रहा है आज सांबर बड़ा, दही बड़ा और मूंगेड़ी। पापा को उड़ा दाल मेरे पसंद नहीं है, इसलिए मूंग दाल का सब चीज बनेगा। चलिए सांभर हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे अब बन रहा है बड़ा। बड़ा कैसे बना रहे हैं? हाथ में पानी लगाए हैं, फिर ऐसे कैसे तेल गरम। ये शेप बिगड़ नहीं रहा है। वो थोड़ा सा ऊन डाले ना, थोड़ा वो हो गया, लास्ट नहीं पकड़ता है। क्या उड़द दाल थोड़ा वो पकड़ता है, उड़द दाल चिपचिपा रहता है। थोड़ा चिपचिपा रहता है ये थोड़ा। अच्छा, मूंग दाल थोड़ा चिपचिपा नहीं रहता है, गिलना है। घर खाने हैं, खाने से मतलब है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। पलट दो। अरे कुछ नहीं होगा, नहीं जलूंगी ना यार। मैं पूड़ी बनाई थी मदर्स डे के दिन, जली थी क्या? अब इसको थोड़ा सा होने देंगे। ये बन रहा है हमारा बड़ा बड़ा बड़ा। वो तड़का लग रहा है गाइस यहाँ पे, इस चावल में जाने के लिए जीरा राइस कंपन हुई है। पर हिल हिल के ब्लॉग दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एक हाथ से मैं कलछी पकड़ी, एक हाथ से। अरे बाप रे, पूरा खाना तो अकेले यही बना रही है। बस मम्मी को मैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए रखी हूँ फ्रेंड्स, बाकी पूरा काम मैं ही कर रही हूँ। तो परिवार जीरा राइस भी बन चुका है और जीरा राइस कंप्लीट। ये क्या है, सांबर वड़ा भी कंप्लीट।
ये तो बहुत टेम्पटिंग है। और ये दही बड़ा भी हो गया है कंप्लीट, चटनी भी हो गई है कंप्लीट, जो कि मूंगेड़ी के साथ खाएंगे हम लोग, और वो बस तला रहा है, बस वो बचा है और बाकी सब कंप्लीट। लंच, हमारा लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है परिवार, और पापा आएंगे लेने के लिए। चलो मैं भी आ जाऊं। और हम लोग ऐसे बनाएंगे फादर्स डे, तो फादर है कह रहे उसके बाद से बाकी बचेगा तो मिल जाएगा। हाँ बाकी बचेगा तो मिल जाएगा। और ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं लंच टाइम में। सांभर बड़ा खा के बताना। दही बड़ा लो, लो थोड़ा सा खा लो। तो गाइस अभी ना मम्मी थोड़ा सा अलग जैसा स्टाइल वाला पापड़ बनाएंगे, रोल पापड़ घुमा के उसको मतलब गोल बना देते हैं मम्मी देख के। कैसे बनाते हैं बच्चों के देखते हैं कैसे करेंगे। हाफ जब पक जाए तब उसको रोक देते हैं। अब ये देखो गरम रहता है इस टाइम पे, हो गया बन गया। अच्छा क्या है बेसिकली, आप जल्दी जल्दी पका लो, जब पकने के बाद जो पापड़ है, पकने के बाद पापड़ थोड़ा सा नरम रहता है, जल्दी से कड़क नहीं होते, तो उसी टाइम पे आपको रोल करके रख देना है पापड़। आ गए फाइनली पापा। पापा तो आए, चलो बैठो, लग गया टेबल हो जा रहा है पापा इनके आ रहे इतना इतना तो मैं अपने पापा के लिए भी देगी। मम्मी बोल रहे हेलो दोस्तों, बच्चे लोग मिलके मतलब ब्रेकफास्ट में बढ़िया डिश बनाए भाई सारी चीज के लिए। आप भी आज तो क्या संडे का टाइम है, हाफ टाइम क्लोजिंग है दुकान 2 बजे तक, काफ़ी टाइम से लोग खिला रहे पापा आए, लेकिन इतना प्रेशर था काम का तो अभी आया हूँ। देखो स्पेशल डिश क्या लेके आया था, लेकिन जो भी बनाएंगे लोग स्पेशल बनाएंगे। और कहा था मेरे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, तारीफ कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे बनाए। फादर डे मदर डे हमने तो अपने लाइफ में कभी ये सब नहीं किया, बट आजकल के बच्चे देखिए जैसा भी है, दिशाने दीजिए उसके बाद बताऊंगा। तो ये पापा की थाली लग चुकी है ये, और ये तो दोस्तों ऐसा है एक्चुअल में क्या है, हम लोग साउथ इंडियन तो है नहीं, बिहार के हैं, इसलिए क्या दिन में मेरे को क्या है एक्चुअल में दाल तो दही खाते, सांभर के चावल खाने का मज़ा बिल्कुल एकदम साउथ इंडियन मज़ा आता है। तो यहाँ पे दही बड़ा भी बना है और सांभर बड़ा भी बना, बस ये देखिए मूंग बड़ा, मूंग बड़े ठीक है, यहाँ पे स्पाइसी चटनी है देखिए, हमारे बच्चे जो आज के मतलब दिल खुश करे वहाँ आइटम बना दिए। उम्मीद है आपको भी बच्चे ऐसा बनाते होंगे, बहुत बढ़िया। पापा अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा खाना। फैंटास्टिक। रात का क्या? लेकिन डेली तो नहीं मिलता ना ये सब चीज। कैसे बोल उसमें सीढ़ी चल के डाल देंगे। बाप
वो तो खेल रहा बस थोड़ा सा खाने का कुछ बोला नहीं जा रहा।